हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली व्लॉग। मैं अंजू कौशिक आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम कुछ डिफरेंट बनाने वाले हैं। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ, देखिए ये मेरे पास कीबोर्ड के दो कार्डबोर्ड्स पड़े हुए हैं, कार्टून्स पड़े हुए हैं कीबोर्ड्स के। ये ख़राब थे दोनों बिल्कुल। तो ये 4 पीसीज हैं जिनमें से मैं आपके सामने 5 पेंटिंग्स बनाऊँगी। और इसमें सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी इन पेंटिंग्स के लिए, DIY है ये, वॉल डेकोर DIY। तो इसमें सबसे पहले एक ये कपड़ा है ब्लू कलर का, जो है साटन क्रेप का है, ये शायद क्रेप है, और ये भी रेड कलर का क्रेप है। तो अब मैं देखिए किस तरह से कपड़े से DIY वॉल हैंगिंग DIY बनाने वाली हूँ, बहुत सुंदर बनाने वाली हूँ। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वाला DIY आपको कैसा लगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं इनमें से देखिए फ्रेंड्स, अभी इनको मैं 4 पीसेज में कट कर लूँगी और इस तरह से इनको बिल्कुल रेक्टेंगुलर में बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 बना लिए हैं, इक्वल हैं चारों। अब मैं इनमें से 3 को तो एक साइज़ का रखूँगी और 2 को मैं इनमें से हाफ हाफ कर लूँगी इस तरीके से, बिल्कुल इक्वल साइज में मैं इनको कट करूँगी इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 स्मॉल पीसेस बना लिए, इस साइज़ के मैंने 3 पीसेज ये कट कर लिए। अब मैं जो स्मॉल पीसीज हैं उनको मैं रेड कवर से कवर कर दूंगी इस तरीके से, देखिए इस तरीके से कवर कर दूंगी इनको रेड से। और जो बिग मेरे पास ये रेक्टेंगुलर ये पीसीज हैं इनको मैं ब्लू कलर से कवर कर दूंगी इस तरह से। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू कवर दीज। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो इन्हें इसी साइज़ में मार्कर से मार्क कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा साइड्स में छोड़कर इसको इस तरह से मार्क करने के बाद मैं इन्हें कट कर लूँगी। नाउ फ्रेंड्स सी, मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है और अब मैं इन दोनों को ही इस पर पेस्ट कर लूँगी इस तरीके से। और सेम इसी पैटर्न में जो मैंने आपको बताया था अभी ब्लू, इस पर भी मैं ब्लू, ये ब्लू कपड़ा ये भी मैंने कट कर लिया है पहले से एडवांस, और इसको भी मैं इसी तरह से इस पर रेक्टेंगुलर इस पर पेस्ट कर दूंगी इस तरीके से। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल पेस्ट दिस रेड वन। तो देखिए आपको सेंटर में बिल्कुल भी फेविकॉल नहीं लगाना है, सिर्फ कॉर्नर्स पर, इसके एजेस पर और इसके वर्टिसेस पर ही आपको फेविकॉल लगाना है। तो देखिए इस तरह से इस पर मैं फेविकॉल अप्लाई कर दूंगी। नाउ सी फ्रेंड्स, आई एम अप्लाइंग फेविकॉल ऑन इट। तो सी हाउ एम आई अप्लाइंग, देखिए मैंने इस तरह से फेविकॉल अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसको बहुत ही सॉफ्टली इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। से ये पेस्ट हो गया। नाउ सी फ्रेंड्स, मैंने इनको इस तरीके से पेस्ट कर लिया है दोनों को ही, इस तरह से ये हो गए हैं पेस्ट। सी, तो ये दोनों स्क्वायर पीसेज हैं और इनका जो मेजरमेंट है ये है हमारा 7x7 में, 7x7 का इनका मेजरमेंट है, मतलब स्क्वायर्स हैं तो इनका 7x7 का मेजरमेंट आ रहा है इस तरीके से। तो ये मेरे पास एक छोटा सा गोल्डन पीस पड़ा है कपड़े का ही, इसमें ये वाला जो साइड है ये बहुत शाइनिंग है और ये थोड़ा सा रफ है, तो मैं इसको भी 3x3 में, 3x3 में इसको भी 3 इंच x3 इंच मतलब स्क्वायर पीस में ही इसको मैं कट कर लूँगी। तो देखिए किस तरीके से मैंने मार्क कर लेती हूँ यहाँ से और आधा मैं मार्क कर लेती हूँ यहाँ से। तो 3x3 के मैं ये 2 पीसेस अब इसमें से भी कट कर लूँगी। तो
फ्रेंड्स देखिए, मैं इन दोनों को अब इस पर इस तरीके से पेस्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स मेरे पास ये कॉटन का कपड़ा है, बहुत सुंदर इस पर प्रिंट है ये, और इसमें जो रेड रेड है ये मैचिंग है। तो अब मैं इसमें से, क्योंकि मैंने 3x3 का लिया है, यहाँ भी 3x3 का गोल्डन लिया है, अब मैं इसमें 1.5 मतलब 1.5x1.5 के इसमें से दो पीसेस कट करूँगी और उनको देखिए मैं किस तरह से इस पर पेस्ट करूँगी। तो आप, मैंने 3x3 और 1.5 का रेशो लिया है, आपकी जो इच्छा हो वही रेशो ले सकते हैं, या आप अपनी पेंटिंग के साइज़ के हिसाब से भी ये क्लॉथ कटिंग पीसेस का कटिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इनको किस तरह से पेस्ट करूँगी, इनको मैं इस डिज़ाइन में इन पर पेस्ट कर दूँगी लाइक सी सी। अब मैं इनको इस तरह से इस पर पेस्ट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरीके से इन दोनों को पेस्ट कर लिया है। देखिए मेरे पास पेपर मिरर है, अगर आप मार्केट में पेपर मिरर के नाम से लोगे तो ये आपको 10 रुपीज़ में काफ़ी सारे मिल जाते हैं, 10-20 रुपीज़ में। तो अब मैं हर कॉर्नर पर ये पेपर मिरर इसमें पेस्ट कर दूंगी। तो लेट्स सी हाउ विल आई पेस्ट। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैं पेपर मिरर्स को इस पर पेस्ट कर दूंगी। इस तरीके से मैं इन्हें पेस्ट कर दूंगी। नाउ सी। तो फ्रेंड्स अब देखिए मेरे पास ये एक फिल्ड नोटबुक है, बिल्कुल फिल हो चुकी है, वेस्ट नोटबुक है। तो अब मैं इसमें से पेपर कट करूंगी, पेपर निकालूंगी इस तरीके से देखिए, और मैं इसको इस तरह से रोल करूंगी, इसकी छोटी छोटी पतली पतली मैं इस तरह से पाइप्स बना लूँगी, पेपर पाइप जिन्हें आप बोल सकते हो। तो मैं इस तरह से पेपर पाइप्स बना लूँगी। देखिए इस तरह से ये पेपर पाइप बन गई है, और अब मैं इस पर, ये वाइट फैब्रिक कलर है, और ये मैं अब इस पाइप पर इस तरीके से कर दूँगी। इस तरह से मैंने काफ़ी सारी पाइप्स बना रखी हैं, जितनी मुझे रिक्वायर्ड हैं चाहिए। तो इस तरह से मैं इन पर पूरी पर इस तरह से कलर कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये इन पर फैब्रिक कलर कर लिया था, और इनको पेस्ट वाइट कलर करके इनको ड्राई भी कर लिया है। तो अब मैं ये जो मैंने ये फ्रेमिंग तैयार की है, ये पेंटिंग्स तैयार की हैं, जो क्लॉथ पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग यू कैन से, मैं इन पर इनको इस तरीके से लगाऊंगी। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको इस तरह पेस्ट करूँगी किस तरह। तो देखिए फ्रेंड मैं इसको इस तरह से लगाऊंगी, ये वाला जो है इसको मेज़र लूँगी यहाँ से इक्वल, इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करूँगी, और इस वाले को यहाँ से टारगेट लेके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी, और जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकला हुआ है ये वाला पोर्शन, इनको मैं कट कर दूँगी। तो लेट्स सी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड मैंने इनको इस तरह से पेस्ट कर दिया, और अब मैं इनको यहाँ से कट कर दूँगी। फ्रेंड देखिए पहले तो मैंने इन जो पेपर पाइप्स थे इनको बिल्कुल इक्वल दोनों के लिए, दोनों ही पीसेस के लिए, DIYs के लिए इक्वल कट करके रख लिया है, और अब मैं इस तरीके से इन्हें अब पेस्ट कर दूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी इसको प्लेस करके कि हाउ विल आई पेस्ट दिस। फ्रेंड्स देखो मैं इस तरीके से अब इन्हें पेस्ट कर दूँगी। तो मैं दोनों को आपको एक बार ही पेस्ट करके शो करती हूँ कि हाउ विल दे लुक। नाउ फ्रेंड्स इन कॉर्नर्स पर मैं अब एक एक पेपर मिरर लगा दूँगी। तो देखिए किस तरह से हाउ विल अप्लाई। नाउ फ्रेंड्स सी इस तरह से ये बिल्कुल कार्बन कॉपीज बायसिमेट्रिकल वॉल हैंगिंग्स बन चुकी हैं, और बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बहुत सुंदर लगेंगी। आप भी अपने घर को डेकोरेट करने की इस तरह की DIY
बनाएंगे और ये बहुत ही रॉयल लुक देंगी आपकी वॉल को। और मैं इनको प्लेस करके बताऊंगी कि मैं कहाँ इनको प्लेस करने वाली हूँ। तो अब बारी आती है मेरी, जो ये स्क्वायर शेप थी अब रेक्टेंगुलर शेप की जो है मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ, अब बारी है इसकी। तो अब मैं इसको बनाऊंगी, अब मैं बताती हूँ कि इसको मैं किस तरह से तैयार करूँगी। इसके लिए भी मैं सेम यही कपड़ा यूज़ करूँगी। सेंटर में मैं इस कपड़े का रेक्टेंगुलर इसको कट करूँगी और रेक्टेंगुलर कट करने के बाद मैं इसको सेंटर में पेस्ट कर दूँगी लाइक दिस। इस तरह से मैं इसको पेस्ट करूँगी। तो देखिए कि किस तरह से मैं इसका फ्रेमवर्क तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा रेक्टेंगुलर जिसमें मैंने ब्लू कलर का ये कपड़ा पेस्ट किया था, ये वाला जो कार्डबोर्ड है इसका जो साइज़ है वो है मेरा 18 बाय 8 का साइज़ है। और जो मैंने ये पीस कट किया है ये है मेरा 12 बाय 3 का। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में इसको पेस्ट कर दूँगी और इसके हर कोने पर एक एक पेपर मिरर भी लगा दूँगी। तो इसको इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पेपर मिरर्स कॉर्नर पर लगा दिया और इसको पेस्ट कर दिया। और अब मैं वही स्ट्रिप जिन पर मैंने फैब्रिक कलर पेंट किया हुआ है ये स्ट्रिप्स मैं यूज़ करूँगी और इसको फ्रेमिंग कर दूँगी। देखिए मैं किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ, इनको किस तरह से लगाने वाली हूँ, तो आई एम गोइंग टू शो यू। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने इस पैटर्न में यहाँ पे पेपर मिरर्स लगा दिए हैं। यहाँ पेपर मिरर नहीं लगाया, अंदर अंदर पेपर मिरर लगा दिए हैं और ये इस तरह का एक गेटअप पूरा पैटर्न निकल कर आया है। तो और ये मैंने जो रेड आपका DIY बनाया है वॉल हैंगिंग, ये इस तरह से दिख रहा है। तो सेम पैटर्न से मैंने इनको लगा दिया है और इसी तरह से मैंने 1 और 2 और ये 3 मैंने इस तरह के सेम DIY बना लिए हैं, वॉल हैंगिंग बना ली हैं। ये बिल्कुल कार्बन कॉपीज़ हैं और इस ये दो मैंने स्मॉल वन जो हैं ये रेड कलर के बिल्कुल कार्बन कॉपीज एक दूसरे के मैंने इनको बना लिए हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू प्लेस दिस ऑन द फॉर्म। तो लेट्स सी फ्रेंड्स कि हाउ विल दे लुक। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लॉबी है तो मैं यहाँ पर ये पेंटिंग्स पेस्ट करने वाली हूँ। तो आप देखें प्लीज, मैंने जो पैटर्न सोचा है तो आप अपने अपने हिसाब से किसी भी पैटर्न में लगाइए, लेकिन मैंने जो पैटर्न सोचा है मैं उसी पैटर्न से ये प्लेस कर रही हूँ। तो देखिए इसका जो फाइनल लुक आएगा दैट विल बी ग्रेट। इसको यहाँ पे मैंने इसको यहाँ लगा दिया है। तो आप अपनी इच्छा से जहाँ भी आप जिस पैटर्न से भी आप इन्हें लगाना चाहते हैं तो यू कैन प्लेस दिस अकॉर्डिंग टू दैट। मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये रेड और क्रीम कलर का कंट्रास्ट है इस वॉल का। तो मैं यहाँ पे क्रीम पर मैं रेड को प्लेस कर रही हूँ जिससे कि इसकी विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर हो और इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इस तरीके से ये प्लेस कर दिया। नाउ सी फ्रेंड्स, हाउ आर दिस लुकिंग? आई थिंक दिस आर लुकिंग वेरी 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 ब्यूटिफुल। नाउ आई विल शो यू फ्रॉम द सो नाउ फ्रेंड्स, सी दिस, हाउ आर दिस लुकिंग? दिस आर लुकिंग वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वॉल एंड दिस वॉल डेकोर्स। तो प्लीज फ्रेंड्स, ट्राई दिस एट योर होम। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड प्लीज गिव मी कमेंट्स कि हाउ आर दिस। सो फ्रेंड्स, देखिए कि किस तरह से मैंने ये वॉल डेकोर बनाया है और ये कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। देखिए पूरा दीवार आप देखिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।